प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक में से रहीम के दोहे के दूसरे दोहे के बारे में समझेंगे। तो आइए अब हम रहीम के दूसरे दोहे को समझते हैं। रहीमा नीच मन की दीथा, मन में ही रखो गोई, सुनी अठलई है लोग सब, बातें न लई है कोई। यहाँ नीच का अर्थ है अपना, दीथा का अर्थ है दुख, गोई का अर्थ है छिपाकर, सुनी का मतलब सुनकर, अठलई का मतलब क्या है, मजाक उड़ाना, लेने का अर्थ है लेके, कोई का अर्थ है कोई। तो आइए अब इस दोहे का भावार्थ समझते हैं। भावार्थ, यहां रहीम भी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। लोग सुख में भागीदार तो बनना चाहते हैं, परंतु दुख दुख में नहीं। वे दुख सुन तो लेते हैं, परंतु उन्हें बांटने की जगह हमारा मजाक उड़ाकर अपना मनोरंजन ही कर लेते हैं, अर्थात हंसी उड़ाकर खुश होते हैं। इसलिए अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ इस दोहे के माध्यम से रहीम जी हमें कहते हैं कि हमें अपने मन की दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, उसे अपने अंदर ही छिपा कर रखना चाहिए। लोग हमारे मन की व्यथा अर्थात दुख को सुन तो लेते हैं, पर उसे घटाने की जगह इस दुख से उबरने की जगह, हमें उबारने की जगह वे इसे और बढ़ा देते हैं, अर्थात वे हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। और इस प्रकार से हमारे दुख कम नहीं होते, अर्थात हम और हताश हो जाते हैं। धन्यवाद।